आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा चमत्कारिक मंदिरों में से एक मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूँ, जिस मंदिर का नाम है कुराड़ी माता मंदिर। यहाँ पे कहा जाता है कि माता महालक्ष्मी अपने साक्षात रूप में विराजमान है। इस मंदिर के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि जिनके बारे में मैं बताऊंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बेसिक जानकारी दूं तो सुबह के वक्त माता की मूर्ति बाल्य अवस्था में दिखाई देती है, दोपहर के वक्त युवावस्था में, और रात होते होते तक माता की मूर्ति अलग ही वृद्धावस्था में दिखाई देती है। इस वक्त माता की एक आंख से आंसू भी बहता होता है। माना जाता है कि माता महालक्ष्मी के इस मंदिर में जो कोई भी दर्शन करने के लिए आता है उसको जीवन भर कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर कैसे पहुंचते हैं, कैसे दर्शन किया जा सकता है, डिटेल में इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, बने रहिए अंत तक। वेलकम बैक टू माय दुनिया दोस्तों, नया दिन निकल चुका है और आज हम लोग कुराड़ी घूमने के लिए जा रहे हैं, कुराड़ी देवी मंदिर। जी हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, मिस्टीरियस मंदिर है, बहुत सारे रहस्य उस मंदिर से जुड़े हुए हैं, इसके पीछे की अलग अलग कहानियाँ भी है। खैर, कहानियों के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि अगर आप लोग कुराड़ी विजिट करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले उतरना है नागपुर, नागपुर आप ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी आप लोगों को कनेक्टिविटी मिल जाएगी, चाहे फ्लाइट से भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो स्टेशन से आप लोहा पुल ऑटो वाले को बोलिए, और लोहा पुल में बहुत सारे आप लोगों को होटल्स मिल जाएगी, जैसे कि एक ये है, ये कम रेट में बहुत ही बढ़िया सी एक होटल है, तो आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं। आप लोगों को अगर चार लोग आ रहे हैं तो एक रूम का 1800 के आसपास, और अगर दो लोग आ रहे हैं तो 1500 के पास विथ AC आपको मिल जाएगा। अब यहाँ के बाद यहाँ पे आगे थोड़ा एक चाय वाय की दुकान है, वहाँ पे आप जाके चाय वाय पी सकते हैं, नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारे आप लोगों को रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा पेट पूजा करके भगवान की पूजा के लिए आगे निकल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं पेट पूजा और उसके बाद भगवान की पूजा के लिए आगे बढ़ेंगे। जुड़े रहिए, ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मम्मी पापा कहाँ हैं पहले मैं उनको ढूंढ लूँ। यहाँ पे भी एक बहुत प्यारा सा मंदिर है, उसके दर्शन कर लेते हैं। ये मंदिर ऐसे एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था इस मंदिर का भी, यहाँ पे दर्शन करके एक बार आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी है, पानी पी लेते हैं फिर दर्शन करते हैं अंदर। तो हम लोग रेस्टोरेंट में भी आ गए हैं, मेन्यू से हम लोगों ने आलू का पराठा चुने हैं। आलू का पराठा मिल रहा है हमको 50 रुपीज़ पर पीस, साइज़ बड़ा रहेगा बोलते हैं, तो एक एक पराठा सब लोग खाएंगे, पेट भर जाएगा। इसके बाद हम लोग इसी कोचिंग जाने वाले हैं। इस कोचिंग का रिसिप्ट रखे आपने? रिसिप्ट रखे? हाँ, कल कच्ची रिसिप्ट मिली थी, कच्ची से मतलब हाथ से लिख के जो फीस भरे थे उसको अभी प्रिंटेड वाली लेना है, फोटोकॉपी करा के लकी को देना है। उसके बाद हम लोग इसके रूम जाएंगे जो हमने रूम डिसाइड किए थे, और उसके बाद हम लोग कुराड़ी जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहो, फिर से बोल रहा हूँ। तो ये रहा पराठा, इसकी रेटिंग ओके ओके टाइप से 5 में से 2 स्टार दूंगा मैं, क्योंकि ठीक है, मतलब भूख लगी है और कुछ नहीं मिल रहा है तो खा सकते, लेकिन उतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा नहीं है, और भी रेस्टोरेंट फंक्शन है। सॉस के साथ तो बिल्कुल अच्छा लग रहा, लेकिन हाँ अचार के साथ थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो पराठा जो हमने खाया है थोड़ा हैवी ही था, पेट थोड़ा सा भरते आ गया है। बाहर निकलते से ही ऑटो मिल गई, ऑटो में बैठ गए हैं। अब लकी की जो कोचिंग क्लासेस है वहाँ पे काम करवाने के लिए जा रहे हैं, 5-7 मिनट का काम है, उसके बाद इसके हॉस्टल रूम में जाएंगे, जो इसका रूम मेट है जो बाहर था कल, आज उससे मिलने के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम लोग अपनी आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं और कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है, थोड़े बारिश वारिश का मौसम बन जाए तो अच्छा है। तो हम लोग अभी लकी की कोचिंग में पहुंच चुके हैं, यहाँ से काम करवा लेते हैं, फिर बाहर सुन के बात करते हैं। तो लकी के लिए अभी कुछ सामान ले लिए, जैसे बिस्किट, नमकीन, बादाम, नील कटर, ये सब चीज़ें ले लिए ताकि ये रखे और ज़रूरत पड़े तो खाए। जूस वूस तो नहीं चाहिए? जूस वूस, जूस भी ऊपर नहीं, एक थैली लेके अंदर से।
ये पीना है? नहीं अभी कुछ नहीं पीना। क्यों? पेट भरा है। पेट भरा है। और ये कॉपी वॉपी भी यहाँ पे मिल रही है, मैं तो खैर आपको कोचिंग से मिलेगी ना। और भी कुछ चीज़ें हैं तो ये बाद में ले सकता है ज़रूरत पड़ने पर, कुछ से समझ कर। तो अभी हम लोग इसका हॉस्टल का सब सेटअप वेटअप करके आ गए हैं यहाँ पे, चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद कुछ नाश्ता खाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर डायरेक्टली ओला करके मंदिर को जाएंगे। अभी फिलहाल इसके एरिया के आसपास ही खड़े हुए हैं और सब लोग चाय पी रहे हैं, और मैं अपना शॉट्स भी बनाते जा रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट शॉट, एक यूनिक शॉट बना रहा हूँ, उसका काम भी चलता है। चाय पीना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि दिन में बहुत धूप धूप में घुमाई हो गई थी, उसकी वजह से सिर दुखने लगा था। तो हम लोग अभी ये सेव पूड़ी खा रहे हैं, यही खाने के बाद यहीं से गाड़ी कर लेंगे। पहले सोचे थे कहीं और से जाएंगे, वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ से खा के यहीं से निकल पड़ते हैं। तो हम लोग को अभी कैब मिल गई है, कैब में बैठ गए हैं, निकल पड़े हैं। कैब मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली पहले हमने देखे कि नॉर्मल ऐसे हो जाएगा जाने का, फिर उनका कुछ गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, उससे हुआ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद सेकंड वाले ने डिनाइड कर दिया लोकेशन, फिर थर्ड, ये फोर्थ है। तो फोर्थ से अभी जा रहे हैं, वो भी रिटर्न जर्नी ऐसा किया हमने, तब हुआ है। अभी क्या है कि यहाँ से ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, 15 किलोमीटर के आसपास है, मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में पहुँच जाएंगे मैक्सिमम है। और फिर वहाँ पे दर्शन करेंगे 15-20 मिनट अगर ट्रैफिक वो अगर भीड़ नहीं रही तो। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग अपने होटल जाएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कोराडी टेंपल के सामने ही रुके हुए हैं, कुछ सामान वगैरह यहाँ से लेंगे, माता के लिए प्रसाद लेंगे, और फिर वहाँ पे सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ तक हमें जाना है। बहुत खूबसूरत लाइटिंग एंड ऑल है सब कुछ, बस यहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह खरीद लें फिर आगे जाते हैं। ड्राइवर और गाड़ी आगे पार्किंग में वेट कर रहे हैं, तो आप भी अपनी पर्सनल गाड़ी से आएँ तो यहाँ पे पार्किंग के लिए है, वहाँ पे आप वेट करवा के आराम से अंदर जा सकते हैं। वॉक करने के लिए अच्छा खासा रास्ता है अंदर। की पूरी पूजा थी, ये वाला गले में पहनते थे, इसकी पूरी पूजा 351 की आती है, इसकी पूरी पूजा 500। रिटर्न आके दे चलेगा ना? रिटर्न आके पेमेंट कर देना, दो इधर दूंगा, छोड़ दो। तो हम लोगों ने अपने जूते चप्पल सब उतार दिए, यहाँ से प्रसाद की थाली भी ले लिए हैं, चुनरी भी ले लिए हैं, और हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं आगे। चल रहे ना, रुको तो, एकदम जल्दी जल्दी करते हैं वापस सही में। तो हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं घर पे, बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश किया और दिखाया भी। उम्मीद है आप लोगों को अब तक देखे हैं तो अच्छा लगा ही होगा, देख लिए हैं पसंद किए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हमेशा की तरह क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर भी पहुँच जाना, वहाँ पर भी जुड़ जाना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।